वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं AIELTS 2020 आंसर की के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में AIELTS 2020 आंसर की के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। लाइक उसका आंसर की कौन सी डेट पर रिलीज होने वाला है, जब आंसर की रिलीज होगा तो उसकी ऑफिशियलिंग आपको कहाँ से मिल सकती है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के आंसर की चेक करके डाउनलोड करने का हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर AIELTS 2020 का जैसे ही कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं IELTS 2020 आंसर की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर उसकी डाउनलोड करने का। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर पर या google.com ओपन कर लेना होगा, और google.com ओपन करते ही वहाँ पे आपको जो है सर्च करना है IELTS 2020 आंसर की। अब जैसे ही आप वहाँ पे IELTS 2020 आंसर की लिखते हो, तो उसके आगे आपको सिंपली जो है CTET.co.in लिखना होगा। अब आप लोगों का जो है CTET.co.in लिखना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आप सिंपली एक क्लिक के थ्रू आसानी अपना आंसर की जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इसे जो गूगल में लिख के सर्च कर लेना होगा। अब जैसे ही गाइस आप इसे गूगल में लिख के सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने जो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, न्यू टैब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला रिजल्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली सबसे फर्स्ट रिजल्ट को क्लिक करके उसे ओपन कर देना होगा। जैसे आप उसे क्लिक करके ओपन करेंगे गाइस, तो आप लोगों के सामने जो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से जो अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को ऊपर ही लिखा हुआ दिखाई देगा IELTS 2020 आंसर की सून ब्रैकेट में लिखा, यानी कि आंसर की जो बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला, बहुत ही सून भी उसका आंसर की जो डिक्लेयर हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं IELTS 2020 आंसर की विल बी अवेलेबल सून आफ्टर द एग्जामिनेशन, यानी कि जैसे इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो एग्जाम के बाद तुरंत ही इसका जो थोड़े ही टाइम बाद इसका जो आंसर की वो रिलीज हो जाएगा। और जिसके आप देख सकते हैं इसका एग्जाम जो 26 सितंबर को जो है कंडक्ट किया गया था, 2 दिन पहले एग्जाम इसका ऑलरेडी हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आज या कल 2 दिन में ही इसका जो आंसर की है रिलीज हो जाएगा। सो गाइस, ये वीडियो बनाने का हमारा मेन मोटिव यही था, यही है कि आप लोगों को हम आंसर की रिगार्डिंग अपडेट करके कि IELTS के आंसर की जो बहुत ही जल्द आने वाला, ताकि आप जो अप टू डेट रहे, आप जो रोज चेक कर पाए कि आंसर की रिलीज हुआ या नहीं, और आप सबसे पहले सिंपली अपना आंसर की जो चेक करके अपना जो मार्क्स है उसका जो है आप अप्रोक्सीमेट मार्क्स जो अपना काउंट कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि जैसे आंसर की रिलीज होगा सबसे पहले आपको कैसे पता चल पाएगा, तो गाइस उसके लिए सिंपली आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे आकर आपको सिंपली जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ पे जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा एक नोटिफिकेशन कॉलम है जहाँ पे लिखा हुआ है आंसर की अवेलेबल सून, और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द लिंक विल बी प्रोवाइडेड देयर। सो गाइस जैसे ही आंसर की रिलीज होगा AIELTS 2020 का, तो यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक करके अपना आंसर की जो आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। सो गाइस आपको यहाँ पे स्टार पे क्लिक करके इस वेबसाइट को बुकमार्क कर लेना होगा, और आपको सिंपली जो है दिन में 2-3 बार इस वेबसाइट को बुकमार्क के थ्रू जो है विजिट करना होगा, ताकि जैसे ही आंसर के अवेलेबल हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर के अवेलेबल लिखा हुआ आ जाएगा, ऐसा सून हटा दिया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो लिंक प्रोवाइड करा दिया गया जिससे आप सिंपली एक क्लिक के थ्रू आसानी से अपना क्वेश्चन पेपर और आंसर की जो है डाउनलोड कर पाएंगे। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो बनाने का हमारा जो मेन मोटिव तो हमने पूरा कर पाए होंगे, और अगर आपको आंसर की रिगार्डिंग जो अपडेट हो पाए हो आप AIELTS 2020 के, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको ऐसे AIELTS यानी कि IELTS के रिगार्डिंग ऐसे ही नोटिफिकेशन चाहिए, ऐसी कोई भी अपडेट है तो आप चाहते हैं आपको वीडियो के माध्यम से पता चले, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।